न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, न्यू चैप्टर में है डिवीजन, न्यू चैप्टर में है डिवीजन, एक्सरसाइज 4A एंड 4B दोनों को हम चढ़ा दिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ टेबल पढ़ना है और उसको फिलअप करना है प्लेस होल्डर में, इसलिए सिंपल है। एक्सरसाइज 4A एंड 4B दोनों को जो है चढ़ा दे रहे हैं और दोनों फेज हम लोग बना लेंगे। फर्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन 84 डिवाइड 21 इक्वल टू 4 करने का शेष हुआ 84 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया। अब प्लेस होल्डर दिया डैश इज क्वेश्चन, तो 4 आएगा क्वेश्चन, 4 फिल अप हो जाएंगे। डिवीजन कितना है, 21 डिवीजन जिसे डिवाइड करते हैं, जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं उसको डिवीजन बोलते हैं, तो डिवीजन क्या 24 डिवाइडेड डिविडेंड 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 कितना है 84 डिविडेंड मतलब जिस डिजिट से डिवाइड जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं जिस डिजिट में डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। कहने वाले 84 में 21 से डिवाइड करा है 84 डिविडेंड हो गया, 21 डिविजन हो गया और दोनों भाई के साथ 4 क्वेश्चन है। फिर इन द बैलेंस विद विदाउट डिवाइडिंग, और डिवाइडिंग नहीं करना है, जानते हैं किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करने पर वह सेम डिजिट ही आता है। अगर 8 को डिवाइड करेंगे 1 से 8 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10 आएगा, अगर 500 डिवाइड करेंगे 1 से 500 आएगा। यहां दिया है 536 डिवाइड हुआ, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई चीज नहीं हुआ, इसलिए 536 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे किसी डिजिट में वह डिजिट जो कहते होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द बैलेंस विदाउट कैलकुलेटर। अब है 19 × 15, अब 19 को 15 से मल्टीप्लाई करा है तो 285 आ रहा है, क्या है 285, सो 285 डिवाइड 19, तो 19 को 15 डिवाइड किया के मल्टीप्लाई किया तो 285, तो 19 डिवाइड करके कितना का 15 आएगा, अब 15 से डिवाइड करके 19 आएगा, तो ये है 285 को डिवाइड करके 19 से कितना आएगा यहां 15, इसका आंसर इसी में दे दिया है 15, तो प्लेस होल्डर में 15 फिल अप कर देंगे। राइट द टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, अब 19 डिवाइड 11 इक्वल टू 209, या टू फैक्ट में इसको शो करना है, तो यहां 19 है 11 है, करने का शेष हुआ 19 × 11 209, 19 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 209 है। अब 209 को डिवाइड करेंगे 11 से और 205 करेंगे 19 से, तो 209 डिवाइड 11 19, 209 डिवाइड 19 11, यह टू फैक्ट हो गया, सिक्स हो गया, इसलिए 1 से 6 तक गुजर रहा है। एक्सरसाइज 4 में डूब जाते हैं, एक्सरसाइज 4 में है ए में बहुत सारे क्वेश्चन है और वह सिर्फ मल्टीप्लाई पर सिर्फ टेबल पर डिपेंड है, सिर्फ क्या है टेबल पर डिपेंड है, टेबल को रीड कीजिएगा और जो आएगा टेबल में जितने टाइम्स आएगा उतना टाइम्स में प्लेस होल्डर में फिल करेंगे। अब यह 81 डिवाइड 9 करने का शेष हुआ 9 के टेबल पढ़ेंगे, 9 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे 81 बार, तो 9 के टेबल 9 टाइम्स पढ़े, 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़े कितना आएगा 81, इसलिए इसमें 9 फिल अप कर दिए, सिर्फ टेबल फिल अप करना है। 1 में जो है ए बी सी डी क्या क्वेश्चन है, ए में भी 10 क्वेश्चन है, बी में भी 10 क्वेश्चन है, सी में भी 10 क्वेश्चन है, सारा जो है टेबल को रीड करके फिर उसको फिल अप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्या डिवाइड करना है 152 डिवाइड करना है 4 से, प्लेस होल्डर दिया है, प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में फिल अप करना है, प्लेस होल्डर में फिल अप करना है, तो 4 से डिवाइड करना है, यहां 15 है तो 4 3 = 15, 4 3 = 15, 3 टाइम्स हुआ तो 5 में से कौन गया 3 11 कट जाएगा। अब साइड में क्या है 2 है तो 2 आ गया, तब क्या है 32, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आएगा, तो 4 8 = 32 मतलब 4 का टेबल 8 टाइम्स, 4 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे कितना का 32, तो 32 क्या हो गया कट हो जाएगा 0 हो गया, तो यह जो है
सो लूंगा इसका उसी टाइम ना 38 डिवीजन कितना है 4 डिविडेंड कितना है 152 रिमाइंडर कितना है 0 12 सो नहीं करना है रिमाइंडर कोसिएंट डिविजन डिविडेंड इस सब सो नहीं करना है सिर्फ आपको प्लेस ऑर्डर में फिल अप करना है एक्सरसाइज 4a एंड 4b बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और फिल अप करने वाला है टोटल एक्सरसाइज आप लोग बना लेंगे एक्सरसाइज ऑब्जर्व करते हैं थैंक यू वेरी मच